आज के डेट पर महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और पैसा कमा रही है। आपके पैसे का ध्यान कौन रखता है, क्या आप या कोई और? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस मॉनिटरिंग में आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप महिला हो और आपके पास पैसे हैं, आप वर्किंग हो, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यही सवाल है, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? और आपका पैसा जो काम कर रहा है, क्या आपके अनुसार या किसी और के अनुसार? क्या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट आप करते हो या आप नहीं करते हो? तो इसी पर हम आज बात कर कि आप जब भी पैसा कमाते हो तो पैसा कमाने के बाद आप गोल्ड में, शेयर्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन क्या ये डिसीजन आपका होता है, किसी और का होता है या आपकी रजामंदी बिल्कुल ही नहीं होती है? तो आज का हमारा सवाल है कि क्या आपको अपना फिनेंशियल राइट्स पता है और डू यू टेक योर फिनेंशियल डिसीजन? फिनेंशियल राइट्स का मतलब है कि एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006, जहां पर ये लिखा हुआ है कि आपके फादर के प्रॉपर्टी में आपकी 50% की बराबर हिस्सेदारी है जितना आपके भाई का भागीदारी है। इट मीन्स अगर आप अपने पिता के दो संतान हो, एक भाई है और एक बहन हो, तो आपको 50% का हक आपके फादर के प्रॉपर्टी में है। क्या आप इस बात से अवेयर हो? अगर हाँ, क्या आप इस प्रॉपर्टी को फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहते हो या नहीं, ये आपका चॉइस है। लेकिन लॉ कहता है कि आप अपने फादर के प्रॉपर्टी में 50% की भागीदारी हो और जिस दिन आप चाहो आप इस प्रॉपर्टी को अपने हिस्सेदारी मांग सकते हो और लीगली कोई आपको मना नहीं करेगा। हमारा आज का टॉपिक है स्मार्ट अर्निंग कैसे करना है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वाइजली एक्सपेंस कैसे करना है और इसी के साथ वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। तो हम जो पैसा अर्न करते हैं वो या तो हम जॉब से अर्न कर सकते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न कर सकते हैं। वी कैन हैव सम पैसिव इनकम और सम पार्ट टाइम इनकम। सब पार्ट टाइम इनकम का मतलब जैसे मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन जाऊं, हो सकता है मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में एक भागीदार बन जाऊं, मैं ट्यूशन पढ़ाने लगूं, मैं कुछ पेंटिंग करने लगूं, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो पूरे दिन में एक या दो घंटे लगे या पूरे सप्ताह में 5 से 7 घंटे लगे, अगर इस तरीके से कोई छोटा मोटा एक्टिविटी करती हूँ और मैं पैसा कमाने लगूँ तो ये पार्ट टाइम एक्टिविटी कहलाएगा। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहाँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे आपके पास 1,00,000 रुपया है और आपने उसको FD में डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, क्या आपको रोज दिन जाके बैंक पूछना होता है कि भाई साहब मैंने 1,00,000 रुपया डाला है क्या इंटरेस्ट मिला? जी नहीं, वो बैंक चलते रहता है और आपका जो पैसा है वो ग्रो करते रहता है। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। अगर इसी तरीके से आपने कोई किताब लिखा है तो वो किताब अगर एक बार हिट हो गया, चल गया, तो वो आपको हर बुक के सेल पर आपको रॉयल्टी आती रहेगी। आपको बार बार प्रेस में ये नहीं पूछना कि कितने नंबर ऑफ बुक्स बिके, वो मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर रिकॉन्साइल करके आपके पैसा को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर आपका इनकम एक्टिव हो या पैसिव हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, इनकम आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इनकम को अर्न कर रहे हो। नाउ कन्फ्यूजन, आपने पैसा तो अर्न कर लिया लेकिन अब इसको हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें या
किसके भरोसे के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, किसके सलाह पर करें जो अभी तक आप करते आ रहे हो। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करें, अगर हमने उस पर R&D नहीं मारा है, उस पर डीपली जाके नहीं सोचा है। अब आपके पैसे का डिसीजन कौन लेता है? मोस्टली फादर, जब तक आपकी शादी नहीं होती है, या ब्रदर, आपका हस्बैंड शादी के बाद, आपका सन या आपका कोई फ्रेंड जो आपको एडवाइस करता है कि आपके पास जो भी पैसा है इस शेयर में लगा दो, इस म्यूचुअल फंड में लगा दो, ना माफी का रहेगा, लेकिन एडवाइस कोई और करता है, आप नहीं करते। और आप भी सोचते हो यार मैंने तो पैसा कमा लिया, चलो फादर या मेरा जो भाई है, मेरे जो हस्बैंड है, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है और मेरा पैसा सेफ ही रहेगा, तो इसलिए आप ब्लाइंडली उन पर फेथ करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने हस्बैंड, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने फ्रेंड्स, अपने सन पर फेथ मत करो, लेकिन आप अपनी भी आंखें खोल के रखो। हो सकता है फादर, फ्रेंड, ब्रदर, सन, हस्बैंड मे बी जिस थिंकिंग पर सोच रहे हो वो लाइन गलत हो। हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो किसी शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी रियल एस्टेट के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनके पास ना हो। हो सकता है आपको किसी चीज़ की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो। तो जब आप साझा करोगे, डिस्कशन करोगे, तो पता चलेगा कि आपका पैसा सही डिसीजन में जा रहा है या नहीं। सो आपके पैसा का डिसीजन जो भी ले रहे हो, आप उनसे एक बार जरूर डिस्कस करो कि मेरा पैसा है, आप कहां पर कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो। तो यही पर क्वेश्चन उठता है, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, आज तक आपने नहीं किया। अगर आपके पास टोटल 50 लाख है तो आप 25,000, 50,000, 1 लाख से तो अपने दिमाग से स्टार्ट करना शुरू करो। आज के डेट पर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जहां से आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो और अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप वर्किंग होके घर और परिवार दोनों एक साथ चला सकते हो तो पैसा का आप मैनेज क्यों नहीं कर सकते? जब आप वर्किंग होते हो तो सुबह घर का ब्रेकफास्ट भी बनाते हो, बच्चे को भी तैयार करते हो, ऑफिस का भी काम करते हो और रात में आके फिर से घर का काम करते हो, तो इतना मेंटेनेंस, इतना मैनेजमेंट आप करते हो, तो आप अपने पैसे का हिसाब किताब क्यों नहीं कर सकते? एक्सपेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब पैसा एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो पैसा एक्सपेंड कर रहे हो उसकी यूटिलिटी कितनी है। सपोज डैट आप कार परचेज करना चाहते हो, तो क्या कार 5 लाख के भी कार में काम हो सकता है, 10 लाख के भी कार में काम हो सकता है, 15 लाख के भी कार में वही काम हो सकता है? तो आपका दिल दिमाग क्या कहता है, 5 लाख का कार खरीदे, 15 लाख का कार खरीदे? इसी तरीके से आप मोबाइल परचेज करना चाहते हो, 10,000 का भी मोबाइल उतना ही इफेक्टिव होगा, 1 लाख का मोबाइल भी उतना ही इफेक्टिव। ठीक है, कुछ टूल्स अलग हो सकते हैं, कुछ फीचर अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ टूल्स और फीचर के लिए मैं 10,000 से 1 लाख, हाँ अगर मेरी मंथली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा, तो मैं लाख रुपया भी मोबाइल पर खर्च कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी इनकम 20,000, 25,000, 50,000 है, तो मैं मोबाइल के ऊपर अगर मैं 25,000, 40,000 या 50,000 का मोबाइल खरीदती हूँ तो मेरे लिए हानिकारक होगा। सो आप पैसा कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्च आपको ये देखना है कि आपका नीड क्या है और आपकी ज़रूरत क्या है और उस पैसे की आपकी यूटिलिटी क्या है जहाँ पर आप पैसा खर्च करना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, गलत है, ऐसा नहीं है। पैसे के बिना हम एक सांस तक नहीं ले सकते, तो पैसा बुरा हो ही नहीं सकता। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी वी कैन नॉट डू एनीथिंग।
ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। इसी कारण से हम अपने बच्चे को मनी के बारे में अवेयर नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये बच्चा 15 साल 20 साल 25 साल का हो जाएगा, जॉब करने जाएगा तो अपने आप फिनंशियल मैनेजमेंट फिनंशियल डिसीजन लेने लगेगा। ये बहुत ही गलत बात है। जब वो बच्चा 11 12 साल का होता है उसी दिन से अगर आपने पैसे की वैल्यू नहीं बताना शुरू किया तो उसकी डिमांड अनजस्टिफाई बढ़ती जाएगी। जैसे आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो औकात है, हो सकता है 25,000 के मोबाइल तक मैक्सिमम है जो बच्चे को आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन बच्चे ने जिद कर दिया मुझे 50,000 का फ़ोन चाहिए। और अगर आपने उसको फिनंशियल लिटरेसी नहीं दिया, फिनंशियल एजुकेशन नहीं दिया, तो वो 50,000 के ही लैपटॉप या मोबाइल पर जिद हरा रहेगा। और अगर आपने पूरा कर दिया तो आपके बजट पर इम्पैक्ट करेगा, और अगर आप पूरा नहीं करते हो तो बच्चे के मन में कुंठा रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बच्चे को फिनेंशियल एजुकेशन देते हो तो ये कुंठा खत्म होती है और बच्चा ये समझता है कि मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे को फिनेंशियल एजुकेशन कैसे दिया जाए। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि बच्चे को फिनेंशियल अवेयरनेस कैसे देना है सो डैट वो अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं करे। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सीखना हर पेरेंट का उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है जितना हम पेरेंट टिप समझते हैं, जहां पर हमें बच्चे को फिनेंशियल एजुकेशन भी देना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करें आपके इनकम के बारे में। इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्ट जब करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। लाइक 5,000 25,000 1,00,000 5,00,000 10,00,000 उसका गोल। ये पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2 साल के बाद चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, फॉरेन टूर के इन्जॉयमेंट के लिए चाहिए, गोल्ड परचेज के लिए चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चे का डिमांड पूरा करने के लिए चाहिए। What is the goal of that investment? ये चीज आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको शुरू में बात किया था कि फादर के प्रॉपर्टी में आपका कितना हक है और आपके प्रॉपर्टी में आपके जाने के बाद किसका किसका हक होगा, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो आपके फिनांस के बारे में, आपके बच्चे के फिनंशियल एजुकेशन के बारे में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए प्रणाम और नमस्कार। ऑडियो जंगल।